नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पी के स्पेशल क्लासेज। पी के स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत। दोस्तों, फाइनली यूपीपी का जो है नोटिफिकेशन आने वाला था। आपको पता होगा कि इसी सप्ताह में जो है इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाला था, कांस्टेबल वाला। तो इसका देखिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है। सूचना विज्ञप्ति, आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी के पदों पर सीधी भर्ती 2 अक्टूबर 2018। ये देखिए अभी तुरंत अपडेट हुआ है यहाँ पे सूचना। और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो जाएगा आपका पीडीएफ। पीडीएफ डाउनलोड करते हैं और पूरा नोटिफिकेशन पढ़ते हैं कि क्या नोटिफिकेशन में क्या क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, या क्या इसमें दोस्तों जो है मानक दिया हुआ है, और क्या इसमें आयु में छूट दिया गया है या नहीं छूट दिया गया है, पूरी बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ करने से जो चैनल पहली बार सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार से उनको अपडेट मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है। पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद जो है पूरा नोटिफिकेशन है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं और पूरा चीज़ पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ ओपन हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं 16 नवंबर यानी आज की तारीख है यहाँ पे। और कितनी वैकेंसी, आपको मैं बता दूँ कि आरक्षी नागरिक पुलिस की 31,360 और आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी की 18,206 पोस्ट है। जनरल की 15,681 पोस्ट है। ओबीसी की 8,467 पोस्ट है। एससी की 6,585 और एसटी की 627 पोस्ट है। ये आरक्षी नागरिक पुलिस का हो गया। अब आर्म्ड कांस्टेबलरी का देखते हैं। जनरल का 9,104, ओबीसी का है 4,916, एससी का है 3,824 और एसटी का है 3,364। टोटल मिला के 18,208 जो है पद हैं कांस्टेबुलरी, आर्म्ड कांस्टेबुलरी की। तुरंत नीचे देखते हैं दोस्तों, नीचे पूरा हम लोग पढ़ते हैं। इसमें जो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है वो 19 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, यानी याद रखिएगा, यानी नर्सों से जो है स्टार्ट हो जाएगा 19/11/2018 से। और यार इसका लास्ट डेट है जो 8/12 यानी 8 दिसंबर लास्ट डेट है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 8/12 है और ऑफलाइन आवेदन जमा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 10/12 है। चलिए नीचे देखते हैं दोस्तों, इसका आवेदन शुल्क की बात करते हैं। तो आवेदन शुल्क इसका है जो सभी लोगों के लिए 400 रुपये। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ कि इस भर्ती प्रक्रिया हेतु सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये मात्र हैं। अर्हताएँ हैं इसमें सभी चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे आएगा शैक्षिक अर्हता, तो इसमें केवल आपसे इंटर मांगा है और कुछ भी नहीं मांगा। याद रखिएगा, केवल वो केवल इंटर मांगा है। यदि आप इंटर पास हैं तो आप भर सकते हैं, या समकक्ष हैं तो भर सकते हैं। आयु की बात करते हैं, मोस्ट एमपी ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कितनी आयु मांगा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ पुरुष अभ्यर्थी ने के लिए जो 1/7/2018 से आयु की गणना की जाएगी, और जो वर्ष है या 18 साल से लेके 22 साल तक है। जनरल की बात हो रही है दोस्तों, याद रखिएगा, इसमें 2 जुलाई 1996 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। जनरल की बात हो रही है। कुछ छूट मिल जाएगी रिजर्वेशन वालों के लिए, कुछ छूट मैं आपको बताता हूँ। महिलाओं के लिए बात करते हैं तो उनका भी वही है, 1/7/2018 से इनकी गणना की जाएगी। 18 साल से लेकर 25 साल तक के बीच में होनी चाहिए, अर्थात 2 जुलाई 1993 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। चलिए नीचे देखते हैं दोस्तों, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे, तो चलिए नीचे ये लिखित परीक्षा में है। एक लिखित परीक्षा होगी यहाँ पे भी, जैसे कि फिलहाल में अभी पुलिस वाली वैकेंसी हुई तो वैसे ही हो रहा होगा। इसमें देखते हैं जो शारीरिक मानक है वो ऊंचाई के लिए देखते हैं, तो ओबीसी और एससी, ओबीसी और जनरल के लिए जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए ऊंचाई। एससी और एसटी के लिए जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सॉरी, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि जनरल ओबीसी और एससी के लिए, याद रखिएगा, जनरल जनरल एससी और ओबीसी के लिए 168 और एसटी के लिए केवल है 160 सेंटीमीटर। सीमा की बात करते हैं तो सामान्य यानी पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए जो 79 बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होनी चाहिए, और एसटी की बात करते हैं तो 77 होनी चाहिए बिना फुलाए पर, और न्यूनतम जो है 82 सेंटीमीटर फुलाना चाहिए, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है, याद रखिएगा सीना। इसके बाद महिला अभ्यर्थियों के लिए देखते हैं न्यूनतम शारीरिक मानक, न्यूनतम तो ऊंचाई इनके लिए है सामान्य, ओबीसी और एससी के लिए जो है न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर है। वजन, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन जो है 40 kg होना चाहिए। शारीरिक दक्षता वही है दोस्तों, 4.8 किलोमीटर पुरुषों के लिए है और 2.4 किलोमीटर दौड़ जो है 25 मिनट में महिलाओं के लिए है, और जो पुरुषों के लिए है वो भी 25 मिनट है, महिलाओं के लिए 14 मिनट है। याद रखिएगा, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर पुरुषों को दौड़ना है और महिलाओं के लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना है। चयन और अंतिम योग्यता सूची दोस्तों, ये आपके लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगा।
नीचे देखते हैं, यहाँ भी देखिए आयु में सीमा में छूट जो बताया गया था, मैंने भी बताया था, तो अनुसूचित जाति या SC या OBC ST जो भी है सभी के लिए देखें यहाँ पे 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी गई है। जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा और सक्षम अधिकारी प्रमाण पत्र देने वाले यही हैं जो है जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, अन्य कोई और। तो यहाँ देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी की बात करते हैं तो इनका भी आरक्षण वही है 2%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अरक्षित के लिए है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5, होमगार्ड 5 और महिलाओं के लिए 20% आरक्षण है। यहाँ पे देखिए आयु सीमा में छूट जो है भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 वर्ष की है। नीचे दोस्तों देखते हैं तो यहाँ पे सारा चीज़ वही लिखा हुआ है जो पहले आप इसके पहले पे देखे होंगे नोटिफिकेशन, इसके पहले जो भी एग्जाम चल हुआ था उसी वही चीज़ पूरा है। और नीचे यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि किस प्रकार से आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, ऑनलाइन की इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ऑफलाइन किस प्रकार से आप भुगतान कर सकें, तो पूरा इसी प्रकार से और सब चीज़ वही है। चयन प्रक्रिया वही है जो पहले चली आ रही है, वही दौर है दोस्तों, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। आप देख लिए होंगे नोटिफिकेशन, पहले वाला ही नोटिफिकेशन है, केवल इसमें ऑनलाइन आवेदन तिथि किया गया है और सारा चीज़ वही है। चाहे आप आयु सीमा में छूट देख सकते हैं या आप देख सकते हैं कि इसमें जो है रिजर्वेशन भी वही चीज़ है। आवेदन प्रक्रिया मैं आपको दोबारा बता दूं कि 19/11 से स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट तिथि 8/12 है, तो आप लोगों के लिए अब स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन क्लासेस पूरा का पूरा दोस्तों। तो आप चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट अब कल से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसी लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए वो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कीजिए, इसी प्रकार आपको अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।